वाली पीड़ा को रखें। मास्टर विनोद जी, मंच पर उपस्थित दोनों जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय अजय महावर जी और मेरे बड़े भाई कैलाश जैन जी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मेरे भाई प्रवेश शर्मा जी, मेरे बड़े भाई छोटे भाई मनोज त्यागी जी, सचिन शर्मा जी, दर्शन सिंह जी, क्रमवीर चंदेल जी, वीर सिंह पवार जी और समस्त मंडलों के मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के जिला अध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, मैं सबसे पहले अपने आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा और सामने खड़ी हुई इस जनता का और मातृशक्ति के रूप में मेरी बहनों का, जो लोगों की आवाज उठाने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। हम किसी खुशी में यहाँ एकत्र नहीं हुए हैं। आप सब जानते हैं कि सिग्नेचर ब्रिज का ये मसला काफी लंबे समय से चला हुआ है, लेकिन जो केजरीवाल की सरकार, उस आंदोलन से उपजी सरकार, जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने वाली सरकार, जो कार्यों को समयबद्ध तरीके से करने वाली सरकार बन करके आई थी, आज वो अपने इस खोखलेपन को जाहिर कर रही है। ये जनता, ये लोग, ये कार्यकर्ता गवाह है कि केजरीवाल सदैव झूठ की राजनीति करते हैं। लाखों लाखों लोगों को यहाँ से गुजरने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। हमारी माताएं और बहनें, महिलाएं और बूढ़े और बच्चे जब सफर करते हैं, स्कूलों में विद्यालयों में जाते हैं, तो उनको बहुत ही सफर करना पड़ता है। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 459 करोड़ का बजट, आज 2700 करोड़ का बजट बनने जा रहा है। कहीं ना कहीं मनोज तिवारी जी ने जैसे कहा है, इसमें उस बात की गुंजाइश है और उस बात की जो है इसमें पहचान की जा सकती है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होने का संभावना व्यक्त करती है। हम केजरीवाल सरकार की भ्रष्ट निंदा करते हैं और जनता की आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला नवीन शादरा और जो है उत्तर पूर्वी आपका जो है नहीं जिला, ये पूरी लोकसभा, अभी तो ये केवल टेलर के रूप में है और फिल्म बाकी है। ये देश की, इस जनता को, दिल्ली के जनता को एक आंदोलन छेड़ेंगे और यदि ये समय पर रहते सिग्नेचर ब्रिज पूरा नहीं होता तो हम सब मिलकर के कैलाश जी और अजय महावर जी के साथ ये सब कार्यकर्ता एकमुश्त होकर आपके साथ है। आप दोनों संघर्ष करो और प्रदेश अध्यक्ष के साथ में हम मिलकर के चलेंगे। इसी के साथ जय हिंद।